ये देखें माशाल्लाह यार, हमारे जो पैरेट हैं वो सारे शिफ्ट हो गए हैं न्यू हाउस में, न्यू सेट। वो देखें जी, कबूतर भी आ गए हैं सारे और चूज़े भी आ गए हैं। तो यार वो देखें, मैं इधर छत पे खड़ा था तो हमारे सेटअप से ये देखें यार नज़र आ रहा है नज़ारा एक, अगर आप देख पाएँ। ये देखें माशाल्लाह। वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज हम जो है वो अपने जो ऑस्ट्रेलियन पैरट जो दूसरे केज में है वो शिफ्ट करने जा रहे हैं अपने दूसरे केज में, क्योंकि वो अकेले इधर जो है वो सैड रहते हैं और जो नीचे हैं वो भी इसी तरह केज में बैठे रहते हैं। तो अवैस भी आज साथ है। और सुबह है जी 14 अगस्त सुबह, हमारे चैनल पर इंशाल्लाह कोई ना कोई स्पेशल वीडियो आएगी। तो कुछ हम अपने सेटअप पे कुछ अपने परिंदों के साथ कोई हम यूनिक सा कोई वर्क काम करेंगे। तो अभी हमने जो है झंडा भी छत पे लगाना है, तो इंशाल्लाह अच्छे तरीके से जो 14 अगस्त है उसकी हम अपने सेटअप में जो है वो प्रिपरेशन करेंगे। तो चलें आपको दिखाते हैं अपने जो ऑस्ट्रेलियन बजीज पैरट है उनको दिखाते हैं। तो ये देखें जी, हमने एक पेयर जो है वो इसमें शिफ्ट किया था, लेकिन ये इतना हैप्पी नहीं है। और हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट में कहा था कि आप जो ये मटकी है इसको आप ऊपर किसी तरह जो है लटका दें, क्योंकि इस तरह ये ब्रीडिंग नहीं करते। तो हम इस मटकी का भी हल करेंगे आज, और जो दूसरे हमारे पास जो ऑस्ट्रेलियन पैरट है यार, चलो वैसे वो नीचे से ले आओ यार। और जितने भी हमारे बर्ड्स हैं, अभी शाम का टाइम तो नहीं हुआ लेकिन ये हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं, लगता है इनको भूख लगी हुई है, इनको दाना वगैरह भी डालना है। और कुछ कबूतर इधर बैठे हुए हैं, और ये जो तमाम जो दूसरे सील चूजे हैं ये देखें, इनको भूख लगी हुई है, अभी इनको दाना वगैरह भी डालेंगे। तो आज हुई है जनाब बारिश और मौसम हो गया है साफ, लेकिन गर्मी फिर भी इंतहा दर्जे की है। सुबह भी काफ़ी गर्मी थी लेकिन अभी एक घंटा पहले जो बारिश हुई है हल्की सी, तो मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया है। और ये देखें फसलें जो हैं वो बिल्कुल फ्रेश हो गई हैं बिल्कुल एकदम। लेकिन सूरज फिर उतनी ही तेज़ी से निकल आया और गर्मी जो है इंतहाई दर्जे की है। तब अवैस इनके लिए साथ दाना भी लेकर आ गया, और जो है अपने जो ऑस्ट्रेलियन पैरेट है वो भी साथ ले आया। तो चलें यार, सबसे पहले इन्हें उधर मचाए हुए इनको दाने वगैरह डाल दो। चलें भाई इधर ही डाल दो। वो देखें जी, कबूतर भी आ गए हैं सारे और चूज़े भी आ गए हैं। तो इनको लगता है भूख काफ़ी लगी हुई थी, लेकिन अभी टाइम तो नहीं हुआ, अभी धूप है काफ़ी, लेकिन चलें आज कुछ देर पहले डाल दिए दाना हमने इनको। चलें भाई, अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो मटकी है ना यार, इसका सबसे पहले हल करते हैं, इसके नीचे रखते हैं 2 ईंटें। तो उसके लिए ना आपको ईंटें लाना पड़ेंगी यार। चलें ये सारा सेटअप करते हैं और बाद में मिलते हैं। और यार वो देखें, मैं इधर छत पे खड़ा था तो हमारे सेटअप से ये देखें यार नज़र आ रहा है नज़ारा एक, अगर आप देख पाएँ। ये देखें माशाल्लाह, एक बिल्ली है और बिल्ली के ये देखें 2 पीछे इसके बच्चे हैं। ये देखें खूबसूरत, 2 नहीं बल्कि 3 है यार। ये देखें आगे आगे ये बिल्ली जा रही है और पीछे ये उसके बच्चे जा रहे हैं। वो देखो चेक करें यार, शेर शेर लग रहा है, शेर की खाला आज शेर लग रही है। गर्मी में धूप जो है ना काफी ज्यादा है, तो ये जो मटकी है इसको ऊपर कर दिया है, और ये जो है ना एक न्यू लगा दिया है, और ये प्यारी भी लग रही है, और ये ऊपर हमने जो है ना बांध दिया, तो ये देखें इसको भी ऊपर कर दिया, क्योंकि हम जो है ना हमारे पास 2 पेयर हैं पैरट के इनके, और एक पेयर यहाँ पर अंडे देगा और एक यहाँ पर, और दोनों के लिए ये सेटअप बन गया, और इनको भी अब इस केज में जो है शिफ्ट कर देते हैं। कर लोगे या फिर मैं करूं? अवैस डर भी रहा है। हाँ उड़ नहीं जाता ये भाई, काटते हैं बहुत जोर से, तो ये बहाना है उड़ने वाला। चले भाई आप कैमरा पकड़ो, मैं करने की कोशिश करता हूँ। चले भाई, आपने साथ साथ बताना है कि आपको हमारे इन ऑस्ट्रेलियन पैरामिड से सबसे खूबसूरत कौन सा लगा, ये भी आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। यार इस तरह उड़ जाएंगे तो बोर्ड तक आपको साथ पकड़ना पड़ेगा भाई। ये वाला पैरेट ये चेक करिए, हमारे पास सबसे पहले सबसे पुराना पैरेट है, इसकी तकरीबन एज जो है ना वो 6 से 7 साल है। हाँ, हमारे घर इसको तकरीबन 6 से 7 साल हो गए हैं। तो चले यार बहुत लकी पैरेट है ये, इसको भी छोड़ देते हैं। चले भाई ये ले भाई, इसको भी कर दिया, अब दूसरे पकड़ लेते हैं।
ये हम नए लेकर आए थे हसन भाई के सेटअप से, ये वाले। चले भाई इसको भी पकड़ लिया। चले सारे पैरेट हो गए हैं शिफ्ट भाई, अब करीब से दिखाओ यार। ये देखें माशाल्लाह यार, हमारे जो पैरेट हैं वो सारे शिफ्ट हो गए हैं न्यू हाउस में, न्यू सेटअप में। चेक करें ये देखें यार, खुश लग रहे हैं अब, है ना वैसे। हाँ अब यहाँ पर जो धूप पड़ रही है ना, यहाँ पर आगे कुछ दे देते हैं। हाँ ये ऊपर जो है ना, ये नीचे कर देंगे, लेकिन इतनी धूप इन्हें कुछ नहीं कहती यार, इतनी तो ये बर्दाश्त कर लेंगे। चले भाई खुश हो गए हमारे पैरेट, और हमने सेटअप को भी सही कर दिया। एक एक जो इनका जो मटकी है वो फालतू लगा दिया, और वो उसको भी ऊपर कर दिया। जो हमारे सब्सक्राइबर ने कहा था हमने उसकी बात पूरी कर दिया भाई। तो उत्तराब और सत्यन भाई ने जो घोड़ा लिया था ब्लैक कलर का, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत घोड़ा था, तो उन्होंने अभी लिया न्यू लिया, तो वो कह रहे हैं कि हमने चेंज करवाना, ये हमारे साथ जो है ना फ्रेंडशिप नहीं कर रहा। तो वो अभी नया सेटअप में, कोई भी अगर आप चीज़ सेटअप में लाते हैं तो वो इतनी जल्दी आपको वहाँ पर वो जो है ना रहती नहीं है। जैसे आप कबूतर लाए हैं वो आप यहाँ पर ला के छोड़ देंगे, वो तो उड़ जाएगा। तो वो कह रहे हैं हमने चेंज करना है, तो मेरी तो यही सलाह है कि वो ना करें, थोड़ी देर उसको अपने सेटअप में रखें। और इसकी मेन वजह ये है कि वो खुद डरते हैं उससे। अगर कोई भैंस आप उससे खुद डरेंगे तो वो आपको मारेगी। तो वो आपने उनकी एक वीडियो देखी थी कि एक चाचू आए थे जिनके पास घोड़े हैं, तो उन्हें उसने कुछ नहीं, उसने उनको कुछ नहीं था कहा। तो लेकिन अब वो कह रहे थे हमने चेंज करना है, तो देखते अब कौन सा लाते हैं। हाँ ये हमारा एक मशवरा है शहर में देहात त्रवाब और सप्तैन भाई को, कि वो घोड़े को तब्दील ना करें, बस अपना डर ख़त्म करें, तो वो जो वही जो घोड़ी उन्होंने ली है ब्लैक कलर की वही उनके साथ एडजस्ट हो जाएगी, फ्रेंडशिप कर लेगी। तो आपको हमारा ये सेटअप और हमारा ये हमने ये जो आज का काम किया है अपने दूसरे जो मिनी केज से, इस केज में हमने अपने ऑस्ट्रेलियन पैरट शिफ्ट कर दिए हैं, वो आपको कैसा लगा है बताइए। और हमारे जो ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स हैं इनमें सबसे खूबसूरत कौन सा है, ये देखें, एक ये येलो है और दो ग्रीन है, एक जो है ब्लू कलर का है। तो माशाल्लाह, और हमारा ये सेटअप आपको कैसा लगा है, ये दोनों चीज़ें आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतानी है। तो यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। तो अब इजाज़त चाहेंगे कि हाँ जी अवैस, आप क्या कहना चाहते हो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में अपने पैरेंट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।